हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग जी हैं, UPSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित बड़ी अपडेट आ रही है जी हैं। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग VDO DPG हैं, ग्राम विकास अधिकारी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपकी ऑफिशियल लगभग आ चुकी है। जो खबर हमें मिल रही है कि 2 मार्च से जो है वीडियो की DV होनी है। जी हाँ, 2 मार्च से वीडियो की DV होनी है। इसके अलावा आपको मान लीजिए कि लेट होता है तो बहुत लेट होगा तो होली के पहले पहले आपकी DV शुरू हो जाएगी, अन्यथा होली के 2 से 3 दिनों के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। जी हाँ, काफ़ी दिनों से अभ्यर्थियों को इंतज़ार है, 7-8 महीने हो गए अभ्यर्थियों को इंतज़ार करते हुए, लेकिन धरने के बाद अब आयोग जागा है और वीडियो की ऑफिशियल नोटिस जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो 1 से 2 दिनों में यानी कि आज या कल तक आपको उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी का रिजल्ट जो है 28 अगस्त को जारी कर दिया गया था, तब से अभी तक उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1952 अभ्यर्थियों को इंतज़ार है। फिलहाल अभी ये इंतज़ार ख़त्म होने को है और 1 से 2 दिन में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी तक डेट सुनाई दे रही 2 मार्च से, हो सकता है थोड़ा लेट अगर इसको किया जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लेट होगा तो होली से 2-3 दिन बाद के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा मार्च में, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अप्रैल लास्ट तक चलने की जो संभावना है, क्योंकि बहुत काम अभ्यर्थियों को पर डे बुलाया जा रहा है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, इसको हम एक बार आपको याद दिला देते हैं जिससे कि आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और एकदम पूरी तरह से रेडी हो जाएं। आपको नोटिस जारी होगी, नोटिस जारी होने के बाद आपको उस दिन आपको कुछ फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निश्चित तारीख को जाना होगा। तो वीडियो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका शुरू होगा, हम आपको डॉक्यूमेंट बता देते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो हम आपको बता दें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखने हैं। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल का जो अंक पत्र है और सर्टिफिकेट है वो आपको अपने पास रख लेना है, और कम से कम 2-2 फोटोकॉपी आपको रखनी है। उसके अलावा इंटरमीडिएट के आपका अंक पत्र तथा सर्टिफिकेट दोनों एक ही होते हैं इंटरमीडिएट में, जो पहले के अभ्यर्थी हैं उनके भी एक थे और अब के अभ्यर्थी भी तो एक हैं, तो इसको आपको फोटोकॉपी रख लेनी है, 2 प्रति आपको रखनी है। उसके अलावा आपको जो फ़ोटो है कम से कम 4 फोटो आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। उसके अलावा आपको हम बता दें कि आपके पास CCC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी 2 प्रति कम से कम आपके साथ होनी चाहिए। उसके अलावा आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके OBC से बिलोंग करते हैं या SC ST से, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और उसकी 2 फोटोकॉपी। तो कम से कम इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आपने लगाया है वो आपके पास होने चाहिए। आप लोग सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए और इसको पूरी तरह से आप तैयार कर लीजिए। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है जो वो बहुत जल्दी डिक्लेयर 1 से 2 दिन में डिक्लेयर कर दी जाएगी और आपको निश्चित रूप से ऑफिशियल न्यूज के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको इतने तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है। फिलहाल जो अभी सूचना मिल रही कि 60 अभ्यर्थियों को पर डे बुलाया जाएगा, लेकिन इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। आज दोपहर को मीटिंग के बाद ये नोटिस जारी हो सकती है और उसी में जो फैसला होगा उसी हिसाब से काम आगे होगा, लेकिन निश्चित रूप से वीडियो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, यानी कि मार्च के पहले सप्ताह तक आपका ये शुरू हो जाएगा। तो ये रही अपडेट आपके लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।